खबर आप तक पहुंचाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला बरस बाबर के वकील की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदा की गई। समात का मजीद अहवाल जानेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, क्या हुआ आज की समात? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन में जो पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ जो केस मुकर्रर हुआ था उसकी समाअत जो है मुकम्मल कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त गुजारों की जो दरख्वास्त है उस पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कि कल या परसों जो है वो सुनाया जाएगा। अगर अली बकर ने जो है वो अपने दलाल का आगाज किया, उनकी जान की दलाल के आगाज में कहा गया ये अकबर इस बाबा ने जो दरख्वास्त दी थी वो सब सियासी जमातों के इंतजाम इंतखाबात दोबारा कराने की है, जबकि अपने किसी एक सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। उनकी दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तहम बरिस अली जफर ने जो है वो पीटीआई पार्टी इंतखाबात के खिलाफ जो दरख्वास्त है उनको मुस्तरद करने की इस्तदा की है, जबकि अकबर इस बाबर के वकील अहमद असल ने जो है वो अकबर इस बाबर के दलाइल के जवाब में कहा कि किसी मेंबर का जिक्र नहीं है बल्कि फर्द का जिक्र है। अहमद असल ने जो है वो अदालत में मौके इख्तियार किया कि आपने आयन में बताना है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अकबर बाबर जो है पार्टी के साबिक अहदेदार रहे हैं, उन्होंने अकबर बाबर को कब शोकाज नोटिस दिए वो जो है वो बताया। दरख्वास्त गुजार के वकील अब्दुल अजीजुद्दीन काका फेल के दलाइल जो है वो शुरू हुए थे, जानिब से अदालत में मौके इख्तियार किया गया कि कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड मुतल पीटीए जो है वो जवाब दे है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस केस का फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। सबीन अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।